क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। निर्जला बेटा, तुम अब तक सुबह के कपड़ों में हो, कब तैयार होगी? गांव के सारे लोग आ चुके हैं। अम्मा आप चलिए, हम आते हैं। आज हमारा पूरा परिवार और जगत नारायण भैया का पूरा परिवार एक साथ पहली बार मिल रहे हैं। सोच रहे हैं कि आसमान में सुराख कैसे करेंगे। अरे आसमान में सुराख करने का नहीं, हाँ छेद करने। अरे सुराख एक ही बात है दोनों। अरे बाबूजी हम सोच रहे हैं कि जगत काका का किसानों के प्रति जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए। समाप्त करना है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। हुआ क्या? बोलो तो सही मुंह खोल के। शंकर का 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 दिल का दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। चलिए मेरी गाड़ी से निकलते हैं हम लोग। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। ले जाओ भैया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी उठो। चलो बस बस बस। देखो मत रो मत रो, देखना शंकर भैया ठीक होकर ही घर आएंगे। अरे मत रो भैया जी, आज तो निर्जला के पापा ने बहुत ही पुण्य का काम किया है। हम सबको यहाँ 5 मिनट में पहुंचा दिया गाड़ी से, ठीक हो जाएंगे भौजी। बस रो, चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा, शंकर लल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मत रो बेटा, मत रो। देख मेरी तरफ देख बेटा, करण किशन ठाकुर भाई साहब सब उनको अस्पताल लेकर गए हैं ना, शंकर लल्ला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वापस आ जाएंगे। भौजी मत रोइए, मत रो। गुंजल शांत हो जा रही, नहीं तो अम्मा को धीरज कौन बंधाएगा। बस पाजी बस, मत रो मत रो बेटा, जल्दी आएंगे घर, इतना वापस आ जाएंगे, ठीक हो गए। बस बस चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ, लाओ 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 लाओ।
चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, आराम से। भैया आराम से लेके जाइए, आराम से। आपने हमेशा मुझे गलत समझा। देखिए मेरे सीने में भी हृदय है, उसमें भी अच्छी भावनाएं हैं। भले ही शंकर आपका दूर का रिश्तेदार है, लेकिन है तो आपका भाई। देखिए आपको इस टाइम किसी भी चीज की जरूरत हो, केवल आदेश कीजिएगा, है कि नहीं? भानु प्रताप जी, आपका किया हुआ ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप ऐसे मत कीजिए, आप हाथ जब जोड़ते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब सर उठा के फक्र से चलते हैं तब अच्छे लगते हैं। देखिए जगत नारायण जी, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है शहर, सुबह 5 बजे। रुद्र यही है, किसी भी चीज की जरूरत हो आप केवल एक फोन कर दीजिएगा। स्वस्थ हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। वैसे सोचा था कि पार्टी के आयोजन में पटेर हाथ लगेगा, लेकिन भोले बाबा ने डमरू ऐसा बजाया, कैसा बजाया? डम 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 डम। है कि नहीं? मजा आ गया। बड़े तो पहले हमारे हाथ में था, अब आ गया हिरन खच से। हाँ, और करण तो पहले हमारे ग्लास में था, अब आ गए श्री जगत नारायण जी। ओ भोले बाबा का क्या खेला है, वाह वाह। गुरुदेव, मैं तुझ मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप कहें तो मैं प्रकट करूं। कहो। आपकी बुद्धि को शत शत प्रणाम करने का मन कर रहा है। सोच क्या रहे हो, दिल खोल के करो करो। गुरुदेव गुरुदेव आयुष्मान भव। बाबूलाल, शंकर के घर से निर्जला बेटे को सीधा हवेली ले आना, देर मत करना। बस मत रोइए, शंकर भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चुप हो जा बेटी, कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस गुंजन, बस बेटा, तुम्हें हार्ट अटैक कैसे हुआ? कोई चिंता थी क्या? I mean, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के तो ऐसा लगता है बहुत पुअर है। मेरा मतलब है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लगती। अमेरिका में जब आप लोग दूसरों के घर जाते हो तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति देखते हो? कौन अमीर है कौन गरीब? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब ये था कि 90% हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा चिंता में डूबे रहने से होते हैं। ये किसान है, किसानों को चिंता होती है।
कभी बरसात नहीं होती तो कभी अधिक पानी से फसल खराब हो जाती है। दुनिया भर की सारी समस्याएं तो भगवान ने किसानों के भाग में लिख दी है। तुम्हारी कहने का मतलब है कि इंडिया के फार्मर्स इतने पिछड़े हुए हैं? आप 15 दिन के लिए आई हो ना, मत जानो किसानों की जीवन लीला। अगर हाथ जोड़ते हैं भगवान के लिए, चुप हो जाओ। मिश्री क्या कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? चुप कर, चल जा भीतर जा। मिश्री इसे क्या हुआ? मैंने तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। पहले आप ये बताइए, समय पर अस्पताल लाने की सलाह किसने दी और उनकी सांस चल रही है ये किसने बताया? वो दरअसल ये मेरा छोटा भाई है करण, इसने देखकर बताया था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरा मतलब तो ये था कि अगर इंडिया के फार्मर्स की सिचुएशन इतनी पुअर है, जिन्हें यहाँ के धरती पुत्र कहा जाता है, तो यहाँ की सरकारें क्या करती हैं? सरकारें बहुत कुछ करती हैं, लेकिन लेकिन क्या? सरकार की योजनाओं को यहाँ छोटे किसानों तक पहुँचाने और समझाने वाला कोई नहीं है। अरे इसलिए तो जगत काका ने करण को कृषि वैज्ञानिक की शिक्षा दिलवाई है, लेकिन अब उनका सपना टूट जाएगा। क्यों? आप उसे 15 दिन के बाद अपने साथ अमेरिका चले जा रही हो। मैं क्यों लेके जाना चाहूंगी उन्हें? उनकी अमेरिका में जॉब है, वो इसलिए वहां जाना चाहते हैं। जॉब या आपकी दोस्ती के लिए? तुम्हें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? आपके चेहरे से साफ दिखता है। क्या दिखता है मेरे चेहरे पर? छोटी मालकिन, बड़े मालिक ने कहा है कि आपको हवेली लेके चलूं। काकी हम चलते हैं, सुबह आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, तो आप हमें फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो बोझी, तू भी मत रो बेटा। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है शंकर काका की? पहले आप ये बताइए, समय पे अस्पताल लाने की सलाह किसने दी और उनकी सांस चल रही है ये किसने बताया? वो दरअसल ये मेरा छोटा भाई है करण, इसने देखकर बताया था। थैंक यू मिस्टर करण। क्या आप शहर में रहते हैं? नहीं, ये अमेरिका से लौटे कृषि विज्ञान की पढ़ाई करके। आपकी एजुकेशन ने ही आज एक किसान की जान बचा ली है। वो मेरे काका हैं,
देखिए मिस्टर करण, अक्सर लोग हार्ट अटैक के बाद मरीज की बेहोशी को उसकी मौत समझ लेते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज की सांसें देर तक चलती रहती हैं। समय पर अगर उसको ऑक्सीजन और मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। जैसे कि आज आपने बचा लिया है। तो डॉक्टर अभी वो पूरी तरह से ठीक है ना? जी। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उससे? हाँ, मगर कुछ देर बाद। अच्छा। सब ठीक है। तूने तो बाबूजी की तपस्या का सपना सच कर दिखाया। तूने तो आते ही गांव में अपना काम शुरू कर दिया। देख कितनी खुशी से फूल चुके हैं हमारे बाबूजी। बताइए मुझे कितना कर्ज है? हाँ बाबूजी, बताइए आप दोनों के ऊपर कितना कर्ज है? मैं चुका दूंगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जी ठीक है, मैं बता देती। पाजी, अब रोना नहीं और चिंता भी छोड़ दो। शंकर लल्ला बिल्कुल सकुशल है। अगर भगवान की कृपा रही तो कल सुबह तक घर वापस आ जाएंगे। ठीक है। हा? मेरे काका ठीक हो गए, सच्ची अम्मा? हाँ बेटा, अभी तेरे बाबूजी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। मेरे काका ठीक हो गए गुंजन, तेरे बाबूजी ठीक हो गए। वो तो करण लल्ला ने देख लिया था, वरना हमें तो लगा था कि काका हम सबको छोड़ के चले गए। अब कोई भी किसान भूखा नहीं सोएगा, हर खेत में पर्याप्त पानी होगा, हर खेत की फसलें लहलाएंगी। अब कोई भी अकाल किसानों की कमर नहीं तोड़ पाएगी। अब हर तरफ जय किसान, जय धरती पुत्र, जय धरती माता का जयकारा होगा। बस बस, अरे कुछ नहीं हुआ। ठीक हो जाएगा तू, सब ठीक हो गया रे। क्या हो गया था तुझे? क्या चिंता खाई जा रही है तुझे शंकर? अकाल है, फसल अच्छी नहीं हुई, मानता हूं सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है तू। लेकिन हम सभी इसी दुख से चिंतित हैं। सबको यही समस्या है। किसान तो धरती पुत्र होता है नहीं? धरती मां की छाती से अन्न उगा के सारे संसार का अन्नदाता है किसान। अगर
धरती पुत्र किसान ही मर जाएगा तो किसान ही मर गया शंकर तो सारी दुनिया भूखी मरेगी। कौन खिलाएगा उन्हें? काका देखिए देखिए करण आ चुका है। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। याद है हम करण के इंतजार में सोचा करते थे कि जब करण आएगा तो सारे किसानों की समस्या दूर कर देगा। काका अब देखिए करण आ गया है, अब ये सब कुछ ठीक कर देगा। कर्ज चुकाना है ना आपको? बताइए मुझे कितना कर्ज है? हाँ बापूजी बताइए आप दोनों के ऊपर कितना कर्ज है? मैं चुका दूंगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब तक तुम किसान के साथ जियोगे नहीं करण, उसे क्या परेशानी है ये नहीं समझ पाओगे बेटा? क्यों नहीं समझ सकता बाबूजी? बिल्कुल समझ सकता हूं। आप लोग बस मुझे इतना बताइए कि कर्ज कितना चुकाना है, मैं चुका दूंगा और कर्ज मुक्त हो जाइए। किशन अपने भाई को बाहर ले जाओ। तू बाहर जाओ बेटा, बाद में बात करेंगे। क्यों नहीं आप लोग मुझे बताना चाहते? क्या कर्ज के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है? अगर आप लोग मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? बाबूजी मैंने तो यहां तक सुना है कि भारत सरकार किसानों के भविष्य के लिए, उनकी फसलों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है और बहुत सारी बनाई भी है। अगर ये सब सच है तो क्यों है आप लोग परेशान? सब समझ जाओगे करण। अभी तुम अपने भाई के साथ बाहर जाओ, मुझे अपने भाई से बात कर लेता। किशन जा। लेकिन बाबूजी ये समय इन बातों का नहीं है, पहले तो असली समस्या को समझने की कोशिश कर। हाँ तो भैया बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा? घर पे भी बता दिया है कि तुम ठीक हो। बस चिंता मत करो, जल्दी से अच्छे हो जाओ, घर आओ। तो सब परेशान हो रहे थे, सब खुश है। क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा बताओ मुझे? आप तो जानते हो ना क्या प्रॉब्लम है, आप ही बता दो भैया। अगर कर्ज है तो चुका देंगे, इतना पैसा है मेरे पास। बहुत पैसा है तेरे पास तो फिर जा, किसान का बेटा खिलाने क्यों आया था तू? वैसे मैंने इनको गांव का पूरा नक्शा दिखा दिया है। वैसे आपको कितनी जमीन चाहिए होगी? कितना दिला सकते हो? अरे सरकार आप हुकुम करें, पूरा का पूरा गांव आपके नाम करा दें। सच्चाई ये है कि जो मैंने किया और जो सपना मैंने करण में जिया वो हर किसान भाई का कर्तव्य था। बस उस कर्तव्य को निभाने के लिए धरती मां ने और उस पहाड़ी पे बैठी देवी मां ने मुझे चुना। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।